हाय स्टूडेंट्स, आइए गाइस, आज हम लोग इस पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एडवाइस सेंटेंस। गाइस क्या पढ़ेंगे? स्ट्रॉन्ग एडवाइस सेंटेंस और प्रेजेंट का गाइस। ठीक है, इसमें दो पार्ट आएंगे आप लोग के, गाइस प्रेजेंट और पास्ट। आज पढ़ाएंगे प्रेजेंट गाइस, कल आप लोग को पास्ट इसका गाइस पढ़ाएंगे। ओके, जैसे कि इस प्रेजेंट में आप लोग एडवाइस सेंटेंस में आप लोग को यूज़ किया करते थे ना, तो बोला करते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, किसी को एडवाइस देता दिया करते थे आप लोग गाइस, आपको पढ़ना चाहिए, आपको ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा हम लोग एडवाइस दिया करते थे ना गाइस, या ऐसा आप लोग एडवाइस करते थे गाइस किसी को। ओके, या कोई आपको एडवाइस करता था, तो ऐसे गाइस सेंटेंसेस को हम लोग गाइस क्या करेंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे गाइस। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं गाइस प्रेजेंट एडवाइस सेंटेंस, स्ट्रॉन्ग एडवाइस सेंटेंस। ये जो है हमारा क्या है गाइस, स्ट्रॉन्ग एडवाइस सेंटेंस है गाइस। ओके, एडवाइस सेंटेंस तो है गाइस, लेकिन स्ट्रॉन्ग एडवाइस सेंटेंस। ओके, इसमें गाइस क्या होता है, किसी को हम लोग एडवाइस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा गाइस ज़्यादा प्रेशर डाल के गाइस करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर दे के गाइस हम लोग गाइस एडवाइस करते हैं, तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एडवाइस सेंटेंस कहते हैं गाइस। ओके, आप लोगों ने तो एडवाइस सेंटेंस पढ़ाई होगा गाइस, एडवाइस सेंटेंस मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, प्रेजेंट पास्ट पढ़ाया है गाइस। ओके, शुड हैव तीन एडवाइस सेंटेंसेस आप लोग को मैंने पढ़ाया है गाइस। ओके, तो गाइस जैसे उसकी सीरीज थी गाइस प्रेजेंट और पास्ट की, वैसे ही इसकी भी सीरीज बनेगी गाइस प्रेजेंट और पास्ट की गाइस। ओके, इसमें बस दो ही वीडियोस बनेंगे गाइस। ओके, तो पहला आज हम लोग आप लोग को पढ़ा ही रहे हैं प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग एडवाइस सेंटेंस गाइस। ओके, तो जब भी गाइस हमारी एडवाइस गाइस क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है गाइस, मतलब हम लोग गाइस किसी पे थोड़ा सा प्रेशर दे के गाइस अगर एडवाइस को करते हैं, तो उसे हम लोग गाइस क्या बोलते हैं, प्रेजेंट एडवाइस सेंटेंस कहते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग गाइस। ओके, चलिए देखेंगे सिंटैक्स गाइस का क्या होगा। सिंटैक्स में गाइस क्या होता है, सूत्र होता है ना, तो इसका सिंटैक्स होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, शुड और निगेशन के लिए क्या यूज करेंगे, शुड का यूज, शुड नॉट का भी यूज कर सकते हैं, शुड नॉट भी बोल सकते हैं निगेटिव के लिए। ओके, शुड नॉट बोलिए या तो शुड बोलिए गाइस। ओके, शुड नॉट भी बोल सकते हैं गाइस। ओके, या गाइस शॉर्टली कुछ लोग बोलना पसंद करते हैं, तो वो हम लोग गाइस क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे गाइस। ओके, उसके बाद हम लोग गाइस क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे गाइस। किसका यूज करेंगे, हैव। हैव के बाद टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हम लोग अगर क्या होगा, अदर गाइस यूज करेंगे गाइस। ओके, सिंटैक्स के बाद फिर से गाइस आप लोगों को समझा देते हैं हम गाइस। ओके, चलिए एक बार फिर से सिंटैक्स समझ लीजिए गाइस। सबसे पहले आपको गाइस क्या करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड, निगेशन के लिए शुड का यूज होता है गाइस, हैव, टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में गाइस अदर गाइस। ओके ओके, चलिए गाइस आप लोगों को मैं सिंपल बताता हूं गाइस। सिंपल मींस गाइस क्या होता है, पहचान, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, हर एक सेंटेंसेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है गाइस सिंपल में जानना गाइस, के पहचान जानना गाइस। तो आप लोग के सामने सिंपल में दिख ही रहा है गाइस, सिंपल में इसका गाइस क्या होगा, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब में ना, नी, ने तो होगा गाइस, उसके बाद ही, चाहिए। उसके पहले हम लोग जो प्रेजेंट सिंपल गाइस एडवाइस सेंटेंस पढ़े थे, तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब में ना, नी, ने तो था, लेकिन ये जो वर्ड ही यहाँ मौजूद है, यहाँ जो ही वर्ड दिख रहा है आपको गाइस, ये वर्ड वहाँ नहीं था, ये वर्ड गाइस ही। ओके, तो जब गाइस ही वर्ड आ जाता है इसमें, जैसे कि ही चाहिए, मतलब लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में गाइस क्या हो जाए, ही चाहिए, जैसे आपको पढ़ना ही चाहिए या आपको काम करना ही चाहिए, मतलब आपको गाइस एडवाइस तो देते ना सिंपली, ऐसे बोला करते आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। ओके, लेकिन थोड़ा सा उसी चीज़ को स्ट्रांग बना के जब हम लोग गाइस किसी को बोलने लगते हैं गाइस कि आपको ये काम करना ही चाहिए, मतलब इसको देनी नहीं करना, इसको गाइस छोड़ना नहीं चाहिए, ओके पक्का करना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग गाइस बोलते हैं स्ट्रांग एडवाइस सेंटेंस गाइस। ओके, चलिए गाइस चलते हैं गाइस एग्जांपल देखते हैं गाइस। ओके, एक एग्जांपल देख लीजिए गाइस आप लोग, जैसे यहाँ है गाइस मैंने सेंटेंस लिखा है, आपको सुबह जल्दी ही उठना चाहिए, आपको सुबह जल्द ही उठना चाहिए, जल्दी ही उठना चाहिए, ऐसा हम लोग इसके कहते हैं, तुमको जल्दी उठना चाहिए, कहता है यार क्या करूं यार, सोच रहा हूँ कल से 2-4 बजे उठ जाऊं सुबह, कहते हैं हाँ यार आपको सुबह जल्दी ही उठना चाहिए, तुमको सुबह जल्दी ही उठना चाहिए, ऐसा एडवाइस करते हैं ना हम लोग किसी को, तो गाइस सबसे पहले हम कहते हैं आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो हमने बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है, सब्जेक्ट गाइस कौन है, आप हैं गाइस, तो यू हो गया गाइस, उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है गाइस, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या यूज़ करना है गाइस, सब्जेक्ट के बाद शुड या शुड, शुड लगा दिया क्योंकि गाइस सिंपल है गाइस। ओके, निगेशन है नहीं गाइस, उसके बाद हैव टू लगा दिया हमने, उसके बाद गाइस
वर्ब वर्ब हम लोग का गैस क्या है, उठना, वेकअप, जल्दी सुबह, तो अर्ली इन द मॉर्निंग गैस। ओके, तो क्या बोलेंगे, यू शुड हैव टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग गैस। क्या बोलेंगे, यू शुड हैव टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग गैस। ओके, क्या बोलेंगे, यू शुड हैव टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग गैस। चलिए गैस आगे देखते हैं गैस कुछ और सेंटेंसेस गैस, जैसे हम लोग गैस बोला करते हैं गैस, जैसे बोलते हैं ना गैस, मुझे कुछ नया करना ही चाहिए, मुझे कुछ नया करना ही चाहिए। ओके, मतलब ये काम मस्ट करना चाहिए मुझे। ओके, तो गैस क्या बोलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट गैस आई शुड हैव टू टीच गैस, मतलब क्या बोलेंगे, आई शुड हैव टू टीच, आपको बोलना मुझे कुछ नया करना ही चाहिए। सबसे पहले हम लोग को गैस सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट कौन है गैस, मुझे, मुझे गैस क्या होती है, आई हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब गैस हम लोग क्या लगेगा, शुड लगेगा गैस, क्योंकि अफर्मेशन सेंटेंस है। उसके बाद आपको सिंटैक्स में क्या था, हैव टू लगाना था, हैव टू लगा दिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें गैस क्या है, करना, करने की मीन्स वर डू होती है कि, सॉरी यहाँ मैंने टीच लिख दिया, यहाँ आप लोग डू लिखिएगा ठीक ना, मुझे कुछ नया करना ही चाहिए, तो आई शुड हैव टू डू समथिंग न्यू गाइस। ओके, यहाँ हम लोग इस करेंगे, आई शुड हैव टू डू डू समथिंग 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 न्यू गाइस। ओके, न्यू। ओके गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस गाइस। आप सबको इंग्लिश सीखना ही चाहिए, आप किस किसी को एडवाइस करते हो ना कि यार, यार आप सबको इंग्लिश सीखना ही चाहिए, मस्ट, मतलब आज ना कल तो सीखना ही है ना, तो आज मतलब क्यों नहीं आज ही। ओके, सूनर और लेटर सीखना ही आपको, जैसे बोलना होता है आज नहीं तो कल, तो वहाँ हम लोग इस वर्ड यूज करते हैं सूनर और लेटर, सूनर और लेटर, जैसे बोलते हैं ना आज नहीं तो कभी ना कभी, या आज नहीं तो कल, आपको इंग्लिश सीखना ही है तो वहाँ यूज करते हैं, सॉरी, सूनर और लेटर। क्या यूज करते हैं गाइस, सूनर और लेटर गाइस, क्या यूज करते हैं गाइस, सूनर और लेटर गाइस वर्ड का यूज करते हैं गाइस। तो क्या बोलेंगे, आप सबको इंग्लिश सीखना ही चाहिए, तो गाइस आप सबकी इंग्लिश यू ऑल होती, हेल्पिंग वर्ब आपको शुड लगाना है। ओके, उसके बाद हम लोग गाइस क्या करेंगे, हैव टू यूज करना है, हैव टू लगा दिया। वर्ब गाइस क्या है, सीखना, सिंग्लिश इंग्लिश क्या होती है, लर्न, अदर वर्ड क्या बच रहा है, इंग्लिश, तो सबसे लास्ट में लिख देंगे। तो आपको बोलना है कि आप सबको इंग्लिश सीखना ही चाहिए, ऐसा बोल रहा है ना कि किसी के सामने, यार आपको इंग्लिश सीखना ही चाहिए यार, ठीक। तो बोलते हैं कि यू ऑल शुड हैव टू लर्न इंग्लिश गाइस। ओके, चलिए आगे देखते हैं गाइस, आपको वहाँ नौकरी करनी ही चाहिए, किसी को एडवाइस करते हैं यार आपको नौकरी वहाँ करनी ही चाहिए, बहुत बेस्ट जगह है। ओके, बहुत अच्छी सैलरी भी है, आपको वहाँ नौकरी करनी ही चाहिए। ओके, ऐसा बोलते हैं ना, तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट गाइस कौन है, यू लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस गाइस शुड लगाएंगे। उसके बाद गाइस हैव टू का यूज करना होता है, हैव टू लगा दिया। अब करने की इंग्लिश क्या होती है, डू, और नौकरी द जॉब, और वहाँ देयर गाइस, तो क्या बोलेंगे, यू शुड हैव टू डू द जॉब देयर, क्या बोलेंगे, यू शुड हैव टू डू द जॉब देयर गाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मतलब कहते हैं नहीं यार मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस क्या करेंगे, सब्जेक्ट कौन है, मुझे, मुझे इंग्लिश आती है, आई शुड, क्यों शुड लगाया गया, क्योंकि यहाँ निगेशन नहीं वर्ड आया ना, तो हम लोग इस शुड की जगह क्या करेंगे, शुड नॉट, शुड नॉट, या तो शुड बोलते हैं शॉर्टली उसको, शुड बोलते हैं, या शुड नॉट भी बोल सकते हैं आप, आई शुड नॉट हैव टू ट्रस्ट हिम। ओके, करेंगे आई शुड नॉट हैव टू ट्रस्ट हिम गाइस। ओके, तो क्या बोलेंगे, आई शुड नॉट हैव टू ट्रस्ट हिम गाइस। चलिए लास्ट सेंटेंस गाइस, क्या संजय को राहुल से मिलना ही चाहिए, तो कहते हैं यार ये क्या राहुल को, दिस इज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा गाइस, बाय मिस्टेक छूट गया गाइस। क्या संजय को राहुल से मिलना ही चाहिए, तो गाइस क्या करेंगे, क्या करेंगे, शुड या तो शुड लिखेंगे, क्योंकि गाइस क्या सब सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो शुड, संजय हैव टू, और मिलने की मीन्स होती है मीट, और टू राहुल, राहुल से। ओके, तो गाइस संजय शुड, शुड संजय हैव टू मीट टू राहुल गाइस, क्या बोलेंगे, शुड संजय हैव टू मीट टू राहुल गाइस। ओके, मैं ऐसा करता हूँ गाइस, आपको सारे सेंटेंस समझ में आएंगे गाइस, अगर आपको गाइस किसी भी सेंटेंस में गाइस कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में गाइस कमेंट जरूर करिएगा गाइस, और जिस भी बच्चों को गाइस हमारे व्हाट्सएप गाइस ग्रुप में जुड़ना है वो गाइस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे गाइस
हमारे व्हाट्सएप नंबर पे गेस, आप बस गाइज लिख के गेस मैसेज कर दीजिए गेस। हमारा व्हाट्सएप नंबर गेस एक बार फिर से आप लोगों को गेस एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हाट्सएप नंबर है गेस 8934861330 गेस 8934861330 गेस। आप गेस इस नंबर पे गेस केवल आप गेस गाइज वर्ड लिख के गेस मैसेज कर देंगे गेस। आप गेस जहाँ से हो गए मैं आपको ग्रुप में गेस जोड़ दूंगा गेस, उससे आपको गेस अच्छे से सेंटेंसेस गेस कुछ कन्वर्सेशन के लिए गेस स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ आप गेस कन्वर्स करके अपने इंग्लिश को गेस डेवलप कर सकते हैं गेस। ओके वहाँ गेस आपको हर तरीके के गेस स्टूडेंट्स मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे गेस, जो गेस कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि ब्रिटेन से हैं गेस वहाँ। ओके ब्रिटेन, अमेरिकन, सऊदी अरबिया एटसेट्रा, हर जगह से गेस उस ग्रुप में हमारे लोग आएंगे। उस ग्रुप में आपको मैं ज्वाइन कर दूंगा गाइस, जिससे कि आप लोग भी कुछ नया सीख पाओगे गाइस। ओके चलिए गाइस कुछ होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को गाइस, उसे गाइस होमवर्क गाइस करके आप लोग इस कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए गाइस। ओके आइए गाइस कुछ वर्क है आप लोग के लिए गाइस, चलिए देखिए गाइस। पहला सेंटेंस है आपको कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए, जैसे किसको एडवाइस करते हैं ना अरे यार आपको कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए। सेकेंड है गाइस क्या हम सबको किताबें पढ़नी ही चाहिए। नेक्स्ट है गाइस संजय को बोलना ही नहीं चाहिए, उसको बोलना ही नहीं चाहिए यार, झूठ में फालतू बोलता है। ओके नेक्स्ट है संगीता को बताना ही नहीं चाहिए, जब वो नहीं उसकी मदद करती है तो संगीता को भी नहीं बताना चाहिए। ओके लास्ट सेंटेंस है गाइस आप सबको रोज 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, किसी को एडवाइस करते ना यार आप सबको 3 लीटर रोज पानी पीना ही चाहिए गाइस। ओके चलिए गाइस, ओके गाइस चलिए गाइस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस वीडियो पसंद आया हो गाइस तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए गाइस, और गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग गाइस हमारे सारे गाइस पीडीएफ डाउनलोड कर लिया कीजिए गाइस, जितने भी आप लोगों गाइस हम नोट्स पढ़ाते हैं गाइस, जो भी सेंटेंसेस पढ़ाते हैं गाइस उसके नोट्स हम गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं गाइस, वहां आपको लिंक मिल जाएगा हमारे नोट्स का गाइस, और वहां से आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। ओके यानी कि नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे सभी सेंटेंसेस के, जो भी सेंटेंस हम आप लोग को पढ़ाया करते हैं गाइस। ओके चलिए गाइस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस बाय, कैच यू लेटर।